और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रुक रुक कर बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन की रुकावट के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। आज पेट्रोल का दाम 29 पैसे की बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ा, तो वही डीजल के दामों में भी 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 97.22 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमतों की बात कर ले तो वो 87.97 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि 1 मई से पेट्रोल डीजल के दामों में 27 बार बढ़ोतरी हुई और 24 बार कोई बदलाव नहीं हुए। 27 बार हुई बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल कीमतों में 6.83 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल के दामों में 7.24 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। हाँ जी, 100 या समथिंग मेरी ख्याल से पहुंच ही जाएंगे मेरे को लगता है। कुछ कितना फर्क पड़ता है इससे? आप फर्क तो कुछ नहीं है सर। आप पहले तो कितना फर्क पड़ता है अगर मान लो पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो आप लोग कितना? बहुत फर्क पड़ता है सर, ऐसे क्योंकि 70 रुपए लीटर में काफी इधर उधर गाड़ी चल जाती है, पर 100 रुपए का होने वाला तो कहाँ चलेगा इतना। सर फर्क तो काफी ज्यादा पड़ता है, मतलब मेरे हिसाब से तो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल टाइप तो है नहीं। जैसे कि 100 तो मतलब मेरे को लेजिट प्राइस लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा कर दिया है। पहले 70-80 होता था तो जितने भी मतलब रोज़ाना के आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी है, वो हर कोई आप देखते हो बाइक पे ही जाता है, तो उनके लिए मतलब फीजिबल था। बट अब 100 मेरे हिसाब से बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। और जहाँ तक कि कार्स की बात है तो इंसान अब कार में जाते हुए मतलब सोचेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है पहले से। तो काफ़ी फर्क पड़ रहा है। आई थिंक एज आई सेड गवर्नमेंट शुड कंट्रोल दीज रेट्स, राइट। बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो ओवरऑल इम्पैक्ट कस्टमर्स के ऊपर आता है। आई थिंक दिस मस्ट बी कंट्रोल्ड, क्योंकि ओवरऑल बजट काफ़ी अफेक्ट होता है।